की कोशिश में जुटे हैं। खबर ये कि इस बार ये साजिश स्टिकी बम के जरिए करने की है। स्टिकी बम एक चुंबक की मदद से गाड़ियों में चिपक जाता है और वजन में हल्का होने की वजह से इसका आसानी से पता नहीं लग पाता और इसी वजह से आतंकी संगठन इन बमों का इस्तेमाल कर धमाकों की साजिश में जुटे हैं। पिछले कुछ महीनों में सुरक्षा बल के जवानों ने जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों से इस तरह के कई बम बरामद किए और जांच के बाद आतंकियों की इस खौफनाक साजिश का पता चला। हालांकि सुरक्षा बल की मुस्तैदी की वजह से अब तक आतंकी इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनकी इस साजिश का पता लगने के बाद सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों ने अपनी चौकसी और ज्यादा बढ़ा दी है। तो स्टिकी बम से धमाकों की साजिश दरअसल अब आतंकवादी रचते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी दिलबाग सिंह ने भी स्टिकी बम से हमले की साजिश को बड़ी चुनौती बताया। कोई स्टिकी बम जो मिले हैं वो कितना एक चैलेंज रहेगा क्योंकि अमरनाथ यात्रा भी आ रही है? स्टिकी बम अब धीरे धीरे पुरानी बात होती जा रही है, मगर नई खुराफात है ये जरूर कहने का है। अभी तक इस तरह का सिलसिला काफी सालों से नहीं था, मगर अभी कुछ जो अमन दुश्मन ताकतें हमारे पड़ोसी मुल्क की तरफ से इस तरह की कार्रवाइयां करने में हमेशा लगी रहती हैं। उनकी तरफ से एक नया सामान है जो तैयार करके भेजा गया है, मैग्नेट के साथ एक छोटी सी आईडी बना रखी है जो गाड़ी और मेटल सरफेस जो है उसके साथ जिसको चिपकाया जा सकता है। ये एक थ्रेट है, मगर हमारी अपनी सिक्योरिटी ड्रिल्स हैं जिसका पूरा ख्याल रखा जाए। नीतीश हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं और उनके पास कुछ अपडेट भी है उसको। नीतीश जरा बताइए, ये किस प्रकार का बम है और किस तरीके की साजिश दरअसल रची जा रही है? देखिए, ये एक आईडी होता है, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, जो नॉर्मल आईडी होता है उसकी तरह का होता है, लेकिन ये हाथ की जो मुट्ठी है उसके उससे बड़े आकार का नहीं होता, उतने ही आकार का ये होता है। बिल्कुल हल्का होता है, इसको कहीं भी ले जाया जा सकता है, और अगर आप बाइक पर सवार हैं या किसी और चीज पर, तो पासिंग व्हीकल जो है आपके बगल से जा रही है, आप उसके फ्यूल टैंक में के पास या फिर उसके रियर पार्ट में आप लगा सकते हैं, इसका पता भी नहीं चलेगा। जो वाहन करता है, जो वाहन चला रहा है, उसको पता नहीं चलेगा, और जो उसमें आग लग जा सकती है, ब्लास्ट हो सकता है, बड़ा नुकसान हो सकता है, जान माल की क्षति हो सकती है। तो अब आतंकियों ने इसको एग्जीक्यूट करने की प्लानिंग जम्मू कश्मीर, ये बॉम्ब जो है स्टिकी बॉम्ब बरामद हुए हैं। हालांकि अभी किसी भी आतंकी घटना में इसका इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन जरूर इनकी तरफ से ये साजिश रची जा रही है। और अभी एक आतंकी संगठन है पीपुल्स, मैं रोक रही हूँ आपको इसी बीच। देखिए, एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। बंगाल चुनाव में हिंसा के मुद्दे पर मचे घमासान के बीच आज टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। टीएमसी ने बंगाल में अधिकारियों के तबादले पर चुनाव आयोग के रवैये पर भी सवाल उठाए और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को चोट लगने के मामले में चुनाव आयोग से जल्द फैसला सुनाने की मांग की। तो बीजेपी के नेता भी इसी दफ्तर पहुंचे हैं, बंगाल पर ज्ञापन देगी दरअसल बीजेपी। और ये भी जानकारी कि जिस तरीके की हिंसा का माहौल बंगाल में बना हुआ है, उस माहौल से मुक्त वहां चुनाव हो, ये कोशिश बीजेपी की है और इसीलिए चुनाव आयोग के पास जाकर ज्ञापन बकायदा सौंपा जाएगा और ये बताया जाएगा कि स्थिति जो है वो कैसे बेहतर बनी रहे और हिंसा मुक्त चुनाव वहां पर हो, इसके लिए पूरी तैयारी कर लेनी होगी। नीरज हमारे साथ हमारे सहयोगी अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, नीरज आवाज पहुंच रही है अब तक? तो नीरज से एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच आपको यह भी जानकारी दे दे कि इससे पहले टीएमसी भी जो है वो एक प्रतिनिधिमंडल टीएमसी का दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात कर चुका है और अब चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे हैं बीजेपी के नेता। जिस तरीके से अच्छे तरीके से चल रहा है, टीएमसी वहां पर घबरा गई है और आज चुनाव आयोग को हम लोग पुनः ज्ञापन देने जाएंगे कि बंगाल में हिंसा नहीं होनी चाहिए। मेरे को कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कल भी नंदीग्राम में हिंसा की गई, टीएमसी के द्वारा हिंसा की गई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिंसा का शिकार बनाया गया। हिंसा के मुकाबले जब बंगाल की जनता विजय प्राप्त करेगी, लोकतंत्र की विजय बंगाल में होगी और टीएमसी निश्चित रूप से हारेगी।
तो बंगाल चुनाव में हिंसा के मुद्दे पर मचे घमासान के बीच आज टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में चुनाव आयोग से मुलाकात की। टीएमसी ने चुनाव आयोग पर पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया और राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। टीएमसी ने बंगाल में अधिकारियों के तबादले पर चुनाव आयोग के रवैये पर भी सवाल उठाए। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी को चोट लगने के मामले में चुनाव आयोग से जल्द फैसला सुनाने की मांग की। चुनाव आयोग से मिलने पहुंचे टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल में स्वागत रॉय और दूसरे नेताओं के साथ हाल ही में टीएमसी में शामिल हुए यशवंत सिन्हा भी नजर आए। तो चुनाव आयोग दरअसल टीएमसी पहुंची और कई बातों का यहां पर जिक्र चुनाव आयोग के सामने किया गया। अचानक जो तबादले हुए हैं चुनाव आयोग से, जब टीएमसी के नेता पहुंचे तो उस पर भी उन्होंने सवाल पूछा। ममता की चोट का मुद्दा भी उन्होंने उठाया और चोट पर जल्द फैसला सुनाने की मांग भी उनके द्वारा की गई। हमारे साथ टीएमसी के सांसद स्वागता राय जी हैं। मुख्य चुनाव अफसर न्यूज 18 इंडिया ने खास बातचीत की। आप लोग बार बार बंगाल में डीजीपी पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर पे सवाल उठाते हैं। मुख्य चुनाव आयोग का कहना है कि लोकसभा चुनाव में भी ट्रांसफर हुआ था और रिपोर्ट के आधार पे ट्रांसफर होता है और आगे भी जरूरत पड़ेगी तो होगा और नहीं जरूरत पड़ी तो नहीं होगा। ये सब बात तो आप जानते हैं, हमें इसे नहीं पता है। लेकिन आप लोगों ने सवाल उठाया था ट्रांसफर आज पे? नहीं पहले ही पहले उठाया था। वो बोला हाँ उनको पावर है, वो कर सकते हैं। हम बोला अचानक करेंगे तो लोग सवाल उठाएंगे, यही हम बोला। ममता बनर्जी पे जो हमला हुआ था उस पर भी आप लोगों ने कुछ सवाल पूछा। आप लोग दूसरे मसले पे आए थे लेकिन ममता बनर्जी पर हुए हमले पर भी आप लोगों ने सवाल पूछा, क्योंकि आप लोग का आरोप है कि हमला हुआ था। हाँ, हमारा आरोप है और हम बोला कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर जो जवाब दिया ममता बनर्जी को रूठ था, ऐसा जवाब नहीं देना चाहिए। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बताया कि उन्होंने फाइनल कंक्लूशन में अभी तक नहीं आए हैं, FIR का इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, वो हो जाने के बाद ही वो बता सकेंगे कि उसका फाइनल कंक्लूशन क्या है। हम लोगों का जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया है नियम कि बूथ से 100 मीटर की दूरी पर केवल सेंट्रल फोर्सेस रहेंगे, उस मुद्दे पर हम लोगों ने चिंता जाहिर की कि सेंट्रल फोर्सेज अब पूरे बैटल गियर में कहीं होती हैं तो लोगों के मन में ऐसी